को उस पहाड़ के जस्ट बगल में कल्पेश्वर मंदिर है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और सभी को स्वागत है पार्ट टाइम ब्लॉगर में। तो दोस्तों अभी हम लोग चोपटा से निकलकर अभी हम लोग जाएंगे कल्पेश्वर में। गाइस सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कल्पेश्वर में और जो पंचकेदार का ही एक केदार है। तो गाइस यहाँ पर टोटल में 5 केदार है। एक हो गया आपका केदारनाथ, दूसरा है आपका तुंगनाथ और उसके बाद है आपका रुद्रनाथ और उसके बाद मधमेश्वर और एक लास्ट में हो गया कल्पेश्वर। ठीक है, तो ये पंचकेदार है। तो गाइस जो कल्पेश्वर जो है तो वहाँ पर बाबा का जटा वहाँ पर गिरा था। गाइस तो कल्पेश्वर में एक गांव है जो देवग्राम नाम के नाम से परिचित है। तो हम लोग वहाँ पर आज जाके होम स्टे में रहेंगे और वो बहुत ही एक ब्यूटीफुल गांव है। तो गाइस वहाँ पर बाहर से बहुत ही पर्यटक लोग आते हैं और वहीं पर रहते हैं।
हेलो गाइस, अभी हम लोग हैं गोपेश्वर मंदिर में जो 5000 साल पुराना है। और गाइस ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और आप देख सकते हो कि मंदिर कितना पुराना है जो पूरा पत्थर का बनाया हुआ है। और इसका जो ढांचा है वो तुंगनाथ का जैसा ही है, तुंगनाथ या फिर रुद्रनाथ का जैसा ही है। तो गाइस अभी हम लोग हैं कल्पेश्वर के रास्ते में और आप देख सकते हो कि यहाँ का जो रास्ता है वो कितना डेंजर है। और यहाँ से लगभग 12 से 13 किलोमीटर पड़ता है कल्पेश्वर। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर चारों ओर जंगल ही जंगल है। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं देवग्राम के सुंदर वादियों में और जस्ट कुछ ही टाइम के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे अपने होम स्टे पे। और गाइस आप देख पा रहे हो कि यहाँ का नज़ारा कितना ब्यूटीफुल है। और गाइस यहाँ पर बाहर से विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं देवग्राम के इस होम स्टे में और आप देख सकते हो कि सामने में एक छोटा सा गार्डन है जो बहुत ही खूबसूरत है। और मैं आपको चारों ओर घुमा कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अंदर आए थे और आप देख सकते हो कि यहाँ पर भांग का कुछ पौधा है। और गाइस यहाँ पर भांग का चटनी बहुत ही फेमस है। और ये छत है और आप देख सकते हो कि यहाँ पर चारों ओर पहाड़ी पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में खेती किया जाता है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हो कि ये एप्पल का पेड़ है और उसके ठीक बगल में एक गुलाब का भी पौधा है। और गाइस यहाँ पर और भी बहुत तरह का फसल यहाँ पर लगाया गया है, जैसे कि हो गया आपका गेहूँ और प्याज धनिया। तो बहुत तरह का यहाँ पर पौधा लगाया गया है आप देख सकते हो।
तो गाइस सामने जो पहाड़ दिख रहा है आप लोगों को, उस पहाड़ के जस्ट बगल में कल्पेश्वर मंदिर है। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:30 बज रहा है शाम का, और हम लोग नहा धा के आ गए मंदिर में। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गुफा है और उसके बगल में गंगा जी बह रहे हैं। और आप देख सकते हो कि हमारा जितने भी दोस्त लोग हैं और उसके जो फैमिली है, तो सब लोग हम लोग एक साथ आए हैं। और गाइस यहाँ पर शंकर जी का जटा यहाँ पर पड़ा था, और चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बाबा का दर्शन कर लेते हैं। और आप लोग कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। तो गाइस अभी हम लोग जाएंगे गर्भगृह में, और ये जो दिख रहा है ये बाबा का स्वरूप है, आप देख सकते हो। तो गाइस आज हम लोग यहाँ से निकल कर जाएंगे बद्रीनाथ। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, और यहाँ का जो ऑनर है उसका नाम है नेगी जी। तो आपको नेगी जी का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार ज़रूर कल्पेश्वर आइए और घूम के जाइए। और गाइस ये मेरा सिस्टर है सोमा। तो गाइस आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।